हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये छोटे से ग्लिम्स है मसूरी की, और मैं वेकेशन पे मसूरी गई हुई थी। जल्दी मैं आप लोगों के साथ इसका व्लॉग वीडियो भी शेयर करूँगी। तो ये जो वीडियो है DIY का, ये मैं 2-3 वीक लेट पोस्ट कर रही हूँ। मैंने 2-3 वीक से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था। एक्चुअली ये जो DIY है वो मैं मसूरी जाने से पहले मैंने स्टार्ट किया था इसे, एंड आने के बाद इसे टाइम से मैंने फिनिश भी कर दिया था। बट मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि एडिटिंग में मेरा बहुत टाइम जाता है। तो मैं जल्दी कुछ उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने वाली हूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे फर्स्ट DIY की तरफ। तो फर्स्ट DIY के लिए लिया है मैंने ये आइसक्रीम का डब्बा, और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ जेसो। आप चाहे तो इस पे बिना जेसो अप्लाई किए भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, जो मैं इसके बाद करने वाली हूँ, क्योंकि ये काफ़ी थिक सा पेपर है तो बिना जेसो के भी हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने ये है पैकिंग पेपर। काफ़ी सारे प्रिंट में मैं लेकर आई थी इसे, तो ये बिना जेसो अप्लाई किए भी हम इस पर पेस्ट कर सकते थे। बट मैंने जेसो अप्लाई किया था कि लाइक अंदर से कुछ भी, जो भी प्रिंट है उनमें से कुछ विजिबल ना हो पेपर के ऊपर से, इसलिए मैंने इसके ऊपर जेसो अप्लाई कर दिया था। एंड उसके बाद इसे ग्लू की हेल्प से मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। बहुत ही आसान सा DIY है ये। अगर हम इसी तरीके से खाली डब्बा रख देते हैं तो हमें मज़ा नहीं आता। तो कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर दें, DIY कर दें तो देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये अंदर का जो कलर था उसको मैं हाइड करने के लिए ये रोप इसके ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। एंड इसके लिड पे भी मैंने जेसो अप्लाई कर दिया था। एंड जेसो अप्लाई करने के बाद मैं इसके ऊपर पेपर स्टिक करूँगी, तो जो साइड का बॉर्डर टाइप है उस पर मैंने एक्रेलिक कलर कर दिया है, कुछ प्रिंट से सिमिलर कलर बना के। एंड उसके बाद उसे मैंने कलर कर दिया है। एंड सेंटर में मैं इस तरीके से पेपर पेस्ट कर दूँगी। ध्यान रखना है कि बीच में ना बबल्स ना आए, तो हमें एक साइड से इसे पेस्ट करते जाना है हल्के हाथों से। एंड आप चाहे तो उसके ऊपर से भी ग्लू अप्लाई कर सकते हैं ताकि फिक्स हो जाए, और इस तरीके से मेडिसिन रख सकते हैं या जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हों तरीके से रख के आप ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद हम इसे अपने बेड के साइड पे या कहीं पर भी जहाँ से हमें लेना इजी हो वहाँ पर हम इस बॉक्स को रख सकते हैं, ताकि कई बार हमें रात में चीज़ों की ज़रूरत होती है, पेन किलर हो गया या फिर मुझे एयरडॉप्स चाहिए होते हैं रात में, तो इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट DIY के लिए ले रही हूँ मैं ये पीडियाश्योर का डब्बा, एंड उसके बाद में इसके ये रैपर हटा देंगे ऊपर से। और ये ऑलरेडी वाइट है तो मैं इस पर कोई वाइट जेसो या एक्रेलिक कलर नहीं यूज़ करूँगी। उसके बाद लेंगे हम डेकोपाज नैपकिन, और इस तरीके से मैं साइड पे वाटर अप्लाई करूँगी एंड हाथ से इसे टेयर करके निकाल लूँगी जहाँ पर भी मुझे जो भी डिज़ाइन चाहिए। इस तरीके से इस पर 4 डिज़ाइंस होते हैं, तो मैंने इसमें से एक कट कर लिया है, और इस तरीके से साइड पे भी टेयर कर दिया है मैंने, ताकि जब हम इसे पेस्ट करें ना तो वो लाइन सा ना बन के आए, वो बिल्कुल बैकग्राउंड पे मर्ज हो जाए, इसलिए हम इस तरीके से टेयर करते हैं। उसके बाद मैं इसमें डेको मैजिक ग्लू लगाऊंगी और इस तरीके से हमें इसे पेस्ट कर देना है इसके ऊपर।
ध्यान रखना है कि जब भी हम इसे पेस्ट करें ना, तो एक ही साइड से पेस्ट करें ताकि इसमें बबल्स ना आए और फटे ना, क्योंकि हम किसी भी साइड से अगर पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया हमने तो ये कहीं से भी फट सकता है। और बहुत ही हल्के हाथ से इसे पेस्ट करना होता है। ये ड्राई ब्रश की हेल्प से मैंने इसके ऊपर से स्टिक कर दिया है। जो भी खाली एरिया है हम इस पे कलर से इसे कवर करेंगे। तो इसके लिए लिया है मैंने ये चॉक कलर, मेरा फेवरेट चॉक कलर है ये। एंड उसके बाद इसे कलर में मिक्स करके कुछ लाइट सा शेड बनाया है। जो भी टिश्यू का बैकग्राउंड का कलर है मैंने उसी से मैचिंग का कलर बनाया है इसे। और इस तरीके से डैप करते हुए बैकग्राउंड में ये कलर कर देंगे और जो भी टिश्यू का कलर है उससे ये मर्ज हो जाए टिश्यू के कलर के साथ। तो मैंने पूरे बॉक्स पे कलर कर दिया है और ये आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल बैकग्राउंड से मिक्स हो गया। लाइक बैकग्राउंड का टिश्यू का जो कलर था एंड जो मैंने ऊपर से कलर किया है इसके ऊपर वो मिक्स हो गया। एंड उसके बाद जो भी बर्ड के हैं या बर्ड है, फ्लावर है, जो भी चीज़ें उसे हम थोड़ा हाईलाइट करेंगे। और जहाँ पर भी साइड पे छूटा हुआ था डिज़ाइन उसे मैंने पूरा कर दिया है ताकि वो आधा अधूरा सा ना लगे। तो इस तरीके से जो भी बैग टिश्यू का कलर है हमारा उससे मैचिंग के कलर से हम उसे हाईलाइट कर देंगे। एंड उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे माउथ पाउच ग्लू ताकि जो टिश्यू है ये अच्छे से इसके ऊपर फिक्स हो जाए। एंड उसके बाद हमें अप्लाई करना है वार्निश। मैं उसका वीडियो शूट करना भूल गई हूँ, तो उसके बाद वार्निश करके हमें इसे प्रोटेक्ट कर देना, बिल्कुल सील कर देना है। एंड इस तरीके से हम इसमें कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हैं। काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज़र है ये, आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो इस तरीके से हम रख के और कहीं पर भी हम इसे किचन में रखना हो, हमें कहीं हमने किचन के ऊपर वाले एरिया पे भी रखा तो वो बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उसे डेकोरेट कर दिया है। एंड थर्ड DIY के लिए ले रही हूँ मैं ये मेरे हेयर मास्क का डब्बा। ये काफ़ी बढ़िया प्लास्टिक, मतलब इन सब चीज़ों में ना ये प्लास्टिक कंटेनर जो देते हैं वो बहुत ही अच्छे प्लास्टिक मटेरियल का होता है, तो बिल्कुल भी इसे फेंकने का मन नहीं करता। तो लिड के ऊपर मैंने जैसे वो अप्लाई कर दिया एंड जहाँ पर भी ये लिड बंद होता है उस वाले एरिया को मैं इस तरीके से मास्किंग टेप से इसे कवर कर दूंगी ताकि वहाँ पर कलर ना जाए, क्योंकि बार बार जब हम बॉक्स को बंद करेंगे एंड खोलेंगे तो वैसे भी वहाँ से कलर हट जाएगा तो वो बाद में और बुरा लगेगा। तो इसके लिए मैंने उसे मास्किंग टेप से कवर किया एंड उसके बाद उसके ऊपर जैसो अप्लाई कर दिया। एंड जैसो के सूखने के बाद इसके बाद मैंने एक और लेयर इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक कलर का दिया है। एंड उसके बाद ये प्रिटी सा डेकोपाज पेपर लेंगे। ये सारा मैं क्राफ्ट स्टोर से लेकर आई थी और इसमें से मैं इस तरीके से जो भी इसमें बटरफ्लाई है वो अलग अलग कलर के टियर करके ले लूँगी। आप चाहे तो डायरेक्टली इसके ऊपर ये पेपर स्टिक कर सकते हैं, तो मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए था तो मैंने बटरफ्लाई को अलग अलग कलर के जो बटरफ्लाई हैं उसे मैंने फाड़ के ले लिया है और अलग अलग जगह पे मैं इसे इस तरीके से देखो मैजिक ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर दूँगी और ड्राई ब्रश की हेल्प से इसे स्टिक कर दिया। तो ये थोड़ा आसान होता है स्टिक करना जो हम नैपकिन पेपर यूज़ करते हैं, डेकोपाज नैपकिन पेपर, वो थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि अगर हमने हल्के हाथ से नहीं किया तो वो फट सकता है, तो उसको थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है और इसे भी करना पड़ता है, बट ये थोड़ा सा आसान होता है उससे। एंड बैकग्राउंड पे मैं कुछ इस तरीके से जो भी आपकी मर्ज़ी का कलर हो आप यूज़ कर सकते हैं, तो जो पेपर के बैकग्राउंड में कलर था मैंने उसी से मिलता जुलता सा ये कलर बनाया है और पूरे बॉक्स पे कलर कर दूंगी मैं।
एंड उसके बाद और भी कलर्स बनाए हैं, जो भी पेपर के बैकग्राउंड में था उससे मिलता जुलता कलर बना के, और कुछ फ्लावर्स लीव्स बना के बैकग्राउंड को हाईलाइट करेंगे, डेकोरेट करेंगे। जो भी पैटर्न चाहे आप बना सकते हैं, तो मुझे ये सबसे आसान सा पैटर्न लगा था। एंड उसके बाद बटरफ्लाई को भी थोड़ा हाईलाइट कर दिया ब्लैक कलर से, ब्लैक एक्रेलिक कलर से। एंड उसके बाद लिड को डेकोरेट करेंगे, तो जो डेकोपाज पेपर का बैकग्राउंड में कलर था मैंने उसी से मिलता जुलता सा कलर लिया है, एंड उससे मैंने लिड को कलर कर दिया। उसके बाद साइड पे थोड़ा सा हाईलाइट किया और कलर से, और इस तरीके से ब्रश की हेल्प से मैंने इस तरीके से ड्राई ब्रश लिया है और वाइट कलर लेके स्प्लैशेस दे दिए हैं थोड़े से। उसके बाद इस पर फ्लावर लगाएंगे, थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। एंड उसके बाद ये कोट लूँगी मैं, और देखो ट्रांसफ़र शीट है ये, तो इस तरीके से इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट सी शीट होती है उसे हटाएंगे, और जहाँ पर भी हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ स्टिक करेंगे। एंड हल्का सा वाटर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो ये डबर की हेल्प से हम इस पर थोड़ा सा वाटर अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे कि अंदर से ना डिज़ाइन हमें विजिबल होने लगता है। इट मींस कि अब हम ऊपर के पेपर को हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हल्के हाथ के से इसे हमें हटा देना है शीट को। और जो ये फ्लावर था थोड़ा डल सा कलर था, तो उसको मैंने और थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है एक नए कलर से। एंड पहले इसके ऊपर ग्लू अप्लाई करके उसको सिक्योर कर दिया। एंड उसके बाद फ्लावर को हम लिड के ऊपर स्टिक करेंगे। स्टिक करने के लिए आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं, और ये हमारा बॉक्स हो जाता है रेडी। मॉड पॉज ग्लू लगा के हम अपने पूरे वर्क को सील कर देंगे, जो भी पेपर है जो वर्क है हमारा सील हो गया। उसके बाद इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करेंगे कि अच्छे से वर्क हमारा सिक्योर हो जाए। एंड उसके बाद आप एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। स्क्रंचीज ये भी हैंडमेड है, ये भी मैंने ही बनाया है, और इस तरीके से देखिए आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने अपनी सिस्टर को गिफ्ट किया है। तो ये थे आज के DIY। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं फिर।